योगेंद्र साहब जब ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या काम है, तो उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी के आर्टिकल या सेक्शंस का वो इंटरप्रेट करते हैं। उसी टाइम हमारे पुलिस स्टेशन में थानेदार साहब एक रोज नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे होते हैं। तो दैट इज द रिहार्श रियलिटी ऑफ अवर इंडियन जुडिशियल सेटअप एंड सिस्टम। जहां तक बात करी जा रही है इन प्रोटेस्ट की या प्रोटेस्ट के पे परमिशंस की या कहां पे प्रोटेस्ट किए जाएं, तो सवाल ये है कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों है। जैसे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की बात हुई और काफी चर्चा भी है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की, पुलिस काफी बातें भी कर रही है और उन्होंने अभी एक जो उनका नया नॉवेल आया है जिसको कोई छापने को भी तैयार नहीं होगा, उसको उन्होंने लिखा है इट्स यूनाइटेड फॉर द हेट। तो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट 2016 में एक जेएनयू का स्टूडेंट था जो जेएनयू से गायब हो गया था, जिसका नाम नजीब अहमद था। जब नजीब की मां बसंत कुंज के पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की एफआईआर कराने के लिए जाती हैं, तो एफआईआर करते समय कान में पुलिस स्टेशन में थाना इंचार्ज मोबाइल लगाकर किसी से डायरेक्शन ले रहे होते हैं और उनको बोल रहे होते हैं कि आप घबराइए नहीं, हम कुछ इस केस में करने वाले नहीं। वो लेडी दिल्ली की सड़कों पर खींची गई, पीटी गई और नजीब अहमद कहाँ है आज भी, एक हफ्ते पहले 4 साल पूरे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम कि नजीब अहमद कहाँ है। हाँ, यही दिल्ली पुलिस जिसकी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से समस्या हो सकती है या दिल्ली के एक्टिविस्ट से समस्या हो सकती है, उन्होंने उस समय कोर्ट में ये कहा कि जिन लोगों के जो एक्यूज थे, जो फैमिली की तरफ से स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक्यूज बनाए गए थे, उन एक्यूज के जो फोन्स हमने सीज किए थे, उन सीज फोन का हम पैटर्न लॉक ओपन नहीं कर सके, इसलिए कोई इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ सकी और हम क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। द सेम दिल्ली पुलिस जो अभी 300 से ज्यादा फोन एक्टिविस्ट के लेकर बैठी हुई है और रोज लोगों को सुबह शाम जो है वो इंटरोगेशन के लिए बुला रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की, तो वो कहते हैं कि सीए आंदोलन में हिस्सा लिया। जाहिर सी बात है, सीए आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर वो कहते हैं एक जो उनका नॉवेल है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उसका थ्योरी तो कादर खान का एक फिल्म की तरह, इट्स लुक लाइक दैट कि व्हेन समवन इज ईटिंग दाल चावल एंड दे हैड अरेस्टेड देम इन दैट कॉमिक मूवी, कि ये मिलावट कर रहा था। मतलब मिलावट क्या कर रहा था? बोले दाल में चावल मिलाकर खा रहा था। तो बोले क्या कर रहा था? बोले वो प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहा था, इसलिए हमने उसको अरेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद उनका जो इमेजिनेशन है, फिर ये वो कह रहे हैं कि दिसंबर से, कोई कह रहा है नवंबर से इसकी साजिश करी जा रही थी। हमको गर्व है इस बात का, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट कैंपेन को इस बात का पूरा प्राउड फील करते हैं हम, कि हम इस संविधान विरोधी कानून के खिलाफ आज से नहीं 2017 से हम काम कर रहे हैं। 2018 में इसी प्रेस क्लब दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, केरला में, वी हैड द फैक्ट फाइंड रिलीज द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ऑफ आसाम एनआरसी, जो उस पूरे एनआरसी के ऑपरेशनल प्रोसेस में लोगों के साथ जाती हो रही थी। 2019 में भी हमने यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज करी कि किस तरह आसाम के जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, उसमें कई सारे केसेस ऐसे हैं हजारों की तादाद में कि किसी को नोटिस जा रहा है 2017 में, 2018 में सेम फॉरेन ट्रिब्यूनल उनको इंडियन सिटीजनशिप दे रहा है और 19 में फिर डाउटफुल सिटीजन का नोटिस जा रहा है। तो पूरी सोसाइटी एंजाइटी में है। व्हेन वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू प्रोटेस्ट, उसी टाइम पे आसाम में 10,000 लोगों को फिर अलग कर दिया, नोटिस भेज दिए जाते हैं कि आप पिछली एनआरसी की लिस्ट में पास ऑन कर गए थे, लेकिन अब आपको बाहर किया जाता है। तो हम लोग लगातार उस तरह के कानून के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें किसी को ये बताने की या दिल्ली पुलिस को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी दिसंबर से साजिश चल रही थी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और प्रोटेस्ट करना कॉन्स्पिरेसी है, तो ये कॉन्स्पिरेसी राइट टू प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कंटिन्यू रहेगा, इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है। उसके बाद जहां तक भाजपा के हमारे गृहमंत्री, अगर हम लोगों का नाम लेते हैं या बात करते हैं कि नाम तो बहुत अच्छा है, काम कैसा है, तो जाहिर सी बात है
हम लोग लगातार उन इशूज पे काम कर रहे थे जिन इशूज पे पुलिस जिनको रिसॉल्व नहीं कर रही थी, जिन पे जो होम मिनिस्ट्री जिसके तहत आती है वो पुलिस काम नहीं कर रही थी, हम उस पे काम कर रहे थे। अगर बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सिंह की लिंचिंग कर दी जाती है और उनकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिल रहा था तो उनके बिहाफ पे केसेस हम देख रहे थे। अगर जुनैद के केस में हरियाणा में एडिशनल अटॉर्नी जनरल कोर्ट के अंदर बैठकर एक्यूज की हेल्प करता है तो हरियाणा भवन पे प्रोटेस्ट करके, हरियाणा भवन को ब्लॉक करके और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का रिजिग्नेशन लेने के बाद हम वहां से वापस लौटते थे, तो वो काम हम कर रहे थे। इसमें हमें कोई छुपाने और शर्मिंदगी की बात नहीं है। और अगर जो है वो झारखंड में हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है वो लिंचिंग के एक्यूज की बेल मिलने पर गारलैंडिंग कर रहे हैं तो उनके घर के सामने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो आज बात बहुत लंबी हो सकती है, जो चार्जशीट आई है उसमें भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन तमाम हमारे साथी जेल के अंदर हैं और बहुत सारे लोगों को हो सकता है निशाना बनाया जाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसी पुलिस से के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, पुलिस के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाते हुए अलीगढ़ में हमारी टीम पर पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ। हम लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी जिसके बारे में सबको मालूम है। उसके बाद उस फैमिली ने, जिसके फैमिली के दो लोग मार दिए गए थे, इसी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो बात एज एक्टिविस्ट साइड से हम लोग सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नाम पे हमने जो कैंपेन बिल्ड किया था उसके तमाम काम आपके सामने हैं। कम से कम 50 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट रिलीज इसी हॉल में हुई है। और आज 22 अक्टूबर को अशफाकुल्ला खान के जन्मदिन में हम सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि हमने जो किया है उस पर गर्व कर रहे हैं और हमारे साथी जो जेल में है वो छूटेंगे, और जब तक वो छूटते नहीं है और जब तक सीए और एनआरसी जैसे काले कानून हमारे समाज के बीच में रहते हैं, हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और उसी स्पिरिट के साथ जारी रहेंगे जिस स्पिरिट के साथ में बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का फ्रीडम स्ट्रगल की फाइट चली थी। और तब तक जब तक हमारे साथी नहीं छूटते तब तक ये सीए जैसे कानून वापस नहीं ले रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।